आपको पोर्ट्रेट या स्केच बनवाना है और आपको ये कुछ बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता, जैसे कि पेपर साइज के बारे में, A2, A3, A4, A5 साइज क्या होता है, फिक्सेटिव स्प्रे क्या होता है, पेपर GSM क्या होता है, नहीं पता है ना? आज मैं बताती हूँ। इस वीडियो से आपको जानने को थोड़ा सा भी कुछ मिला ना, तो कमेंट ऑरेंज हार्ट। ये है A4 साइज, जो प्रिंट आउट पेपर होता है ये भी A4 साइज का ही होता है, और GSM ये 70 GSM का होता है जो प्रिंट आउट पेपर होता है। आप देख सकते हैं ये कितना पतला होता है, और ये जिस पे हम स्केच करते हैं ना ये 250 GSM का होता है, ये मोटा होता है उससे। और जैसे जैसे पेपर का GSM बढ़ता है वो और मोटा होता है और उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। ये है A3 साइज, ये A4 साइज के दोगुना बड़ा होता है, और A2 साइज A3 साइज के दोगुना बड़ा होता है, और A5 साइज ये A4 साइज से छोटा होता है। ये है फिक्सेटिव स्प्रे, इसको हम अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद उस पर स्प्रे करते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए और उसका ग्रेफाइट निकले नहीं और हमारा वर्क लॉन्ग टर्म तक सेफ रहे। तब एक स्टूडियो में हम अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, अपने फोटो का एक रियलिस्टिक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो पोर्ट्रेट या स्केच हम बनवाएं क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस है, क्योंकि जब आप किसी एक आर्टिस्ट से हैंडमेड एक स्केच या पोर्ट्रेट बनवाते हो तो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है, वो एक प्रोसेस से होके गुजरता है, उसमें लेयर्स पे काम होते हैं, जो कि आपका एक स्टूडियो में खींचे हुए फोटो में वो नहीं होता है। और ये जो स्केच एक प्रोसेस से होके गुजरता है ना, इसकी वैल्यू ही एक अलग होती है। अब जैसे कि आप एक फोटो स्टूडियो में खिंचवाकर अपने रूम में लगाइए और एक हैंडमेड किसी आर्टिस्ट का बना हुआ स्केच या पोर्ट्रेट अपने रूम में लगाइए, अगर कोई भी देखेगा तो जो स्टूडियो वाला फोटो है उस पर उतना ध्यान उसका नहीं जाएगा, या फिर तो उतने ध्यान से या फिर तो उतना अटेंशन के साथ उसको नहीं देखेगा जितना कि एक हाथ से बने हुए पोर्ट्रेट या स्केच को वो देखेगा, तो उसको देख के वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको ध्यान से देखेगा वो पूरे अटेंशन के साथ, और इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है।